अम्मी जान कहती हैं कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता। वाह, अमेज़न कहता है कि वेंडर तो छोटा बड़ा होता है, हैं? हाँ, कैसे? वो एक्चुअली मामला चला गया, दिल्ली के जो व्यापारी मंडल है उन्होंने कहा कि यार ये जो अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स की ये जो दिग्गज कंपनियां हैं, ये कर क्या रही हैं? क्या कर रही है ये? छोटे छोटे व्यापारियों के साथ में छोटे छोटे गेम खेल रही हैं। उनके प्रोडक्ट पीछे दिखते हैं, प्रॉपरली दिखते नहीं हैं, मतलब उनके साथ ना इंसाफी होती है, जो अक्सर पुरानी बॉलीवुड की फिल्म हीरो के साथ हुआ करती थी शुरुआत में। तो वैसा कुछ सीन बनता है और अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट इस बात को लेकर पहुँचे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में, और कहा कि माई बाप ऐसा है कि ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी इंक्वायरी करेगा ना तो मतलब दिक्कत हो जाएगी, इस इंक्वायरी को रोक दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, और काम नहीं हमको, हम काहे रोके। वो याचिका खारिज कर दी है, यानी कि अब एक थ्री डायमेंशनल क्रैकडाउन होने वाला है ई कॉमर्स स्फीयर में। सबसे पहले तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जांच करेगा कि क्या ये ई कॉमर्स कंपनियां जो बड़े बड़े दावे करती हैं वाकई फेयर प्रैक्टिसेस कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, मतलब कुछ और दिखाने का, कुछ और बेचने का ऐसा गेम तो नहीं चल रहा है। और दूसरा, हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक कमेटी बना चुकी है, नंदन निलेकणी उसके चेयरमैन है, वो गाइडलाइन बना रही है कि हमारे इंडिया में आके ई कॉमर्स बिजनेस करना है तो ऐसा 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 रूल होगा। उस रूल्स के आने के बाद और क्लैरिटी होगी कि क्या बेचा जाएगा, किसको बेचा जाएगा। ओह, फिर तो बढ़िया, ये हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा ये अमेज़न की, फ्लिपकार्ट की, जोमैटो की, स्विगी की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? डेटा। हम डेटा हैं। हम सब बड़ी पूंजी है क्योंकि हमारा जो एक कस्टमर बिहेवियर है वो इन कंपनियों के पास है। हम क्या करते हैं, कब शॉपिंग करते हैं, कौन सी चीज़ ज़्यादा मंगाते हैं, किस रेंज में मंगाते हैं, किस वक्त में मंगाते हैं, सारा डेटा उधर है और उसी डेटा स्पेसिफिकेशन को ये भुनाते हैं और यही इनकी प्रॉपर्टी है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि देखो ऐसा करते हैं कि तुम्हारे पास अलग डेटा है अमेज़न वाले, तुम्हारे पास अलग डेटा है फ्लिपकार्ट वाले, तुम्हारे पास अलग डेटा है बैंक वाले, तुम्हारे पास अलग डेटा है जोमेटो वाले, दो समोसे लेना। डिस्कशन चल रहा है, भूख लगी थी यार। तो हाँ, तो अब ये सारा डेटा क्यों ना एक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाए, एक ओपन डेटा सोर्स हो जहाँ से जिसको जो मर्जी हो वो डेटा ले ले, मतलब एक सरकारी डेटा बैंक होगा, मतलब इन कंपनियों का स्पेसिफिक डेटा बैंक चला जाएगा, मतलब इनकी पूंजी बट जाएगी। आय हाय, सुन के कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अब इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस डायरेक्शन में काम शुरू हुआ है। पहले बहुत चौड़े नहीं होते थे, हम नहीं बताएंगे कंट्री ऑफ ओरिजिन, हाँ, तो बताने लगे कौन से देश में बन रहा है, हम क्यों बनाएंगे। फिर सरकार ने बोला देखो बेटा हमारे पास में ये कुर्ता है, ये पैजामा है, ये पहन के हम आते हैं, एक डंडा भी है लाए। तो इन्होंने तुरंत बता दिया, हर एक तो बताते ना कहाँ बना है। हाँ। तो एक एज अ बायर चॉइस होती है कि मैं कौन से देश में बना हुआ सामान खरीदूं, ये मेरे पास चॉइस होनी चाहिए ना। सही बात, पैसे भी होने चाहिए तब तो खरीदेगा आदमी। तो हमने सारी इंफॉर्मेशन दे दी, हमारे लिए पैसों की व्यवस्था करो, तो सॉरी वीडियो को आगे बढ़ाओ। अच्छा, नहीं करेंगे व्यवस्था, मतलब रुपयों की करो, पैसे में क्या होगा। सही बात है, तो देखिए जो हो जाए थोड़ी बहुत व्यवस्था कर दीजिएगा। हाँ, करते हैं फिर हम मतलब और कॉन्टेंट पर काम। बाकी आप बताइए किस टॉपिक पर हम करें अभी अनिमेश के साथ फन की बात। ये वाला नहीं है वो। अच्छा, फन की बात। स्टे ट्यून्ड।